हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे हिजाब विवाद, और इसमें शामिल दो केसेस हैं, वह है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी और अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, दैट मींस अनिवार्य धार्मिक प्रथा और वैकल्पिक प्रथा। पूरी केस स्टडी को, इस पूरे घटना का केस स्टडी करेंगे, इसको खंगालेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है इसमें अनिवार्य धार्मिक प्रथा, डैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, या वैकल्पिक प्रथा, डैट मीन्स अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस जो है धर्म से रिलेटेड इसमें शामिल है। यह फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। काफी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी जनवरी 2022 में। आपको पता है कि उडुपी में, जो कि कर्नाटक में है, कॉलेज प्रशासन द्वारा 6 छात्राओं का जो है प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि वे लोग जो है हिजाब में क्लास अटेंड करना चाह रहे थे। तो वहीं से यह मुद्दा उत्पन्न हुआ। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे बीपीएससी जो है इससे किस तरीके से रिलेटेड प्रश्न अराइज कर सकता है, चूंकि यह डायरेक्टली अटैच है फंडामेंटल राइट से। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और अपने अन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको रिकमेंड करना, ताकि उनका भी जो है लाभ हो सके इस हमारे प्रयास के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे छात्राओं को वर्जित किया जाता है कि प्रवेश, उनकी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, कि भैया आपको जो है हिजाब में प्रवेश जो है वर्जित है। तो उनका कहना यह है कि ये हमारे धार्मिक प्रथा का जो है एक तरीके से उल्लंघन है, और ये जो संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है, उसको कहीं ना कहीं ये जो कॉलेज प्रशासन है हताहत करने की कोशिश कर रहा है, उसको विखंडित करने की कोशिश कर रहा है। और ये जाते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय में, अपील करते हैं और कहते हैं कि ये जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, इन तीनों आर्टिकल का जो है उल्लंघन है, तो हमारी रक्षा करी जाए और हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा हमें ग्रांट किया गया है, उसको बचाया जाए, ठीक है। अब यहां से कंट्रोवर्सी किस तरीके से उत्पन्न होगी, एक तरफ स्टेट होगा और दूसरे तरफ इन छात्राओं का समूह होगा, या जो कि ये या किसी संगठन से जुड़ी हुई होंगी वो संगठन होगा। अब दोनों अपने अपने अधिकारों का, अपने अपने पक्षों को रखेंगे, इसको हम देखेंगे, इसके साथ देखेंगे इस तरीके से यहां से जो है किस तरीके का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से जो क्वेश्चन अराइज होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि हाल ही में कर्नाटक के उडुपी में उत्पन्न विवाद, हिजाब विवाद में उसकी चर्चा करते हुए, या उसके अवलोक में, उसके प्रकाश में जो है धार्मिक अनिवार्य प्रथा और वैकल्पिक प्रथा में अंतर स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह जो धार्मिक जो हिजाब विवाद है, या किसी भी समुदाय को, या चाहे वो लड़की हो या किसी खास समुदाय को, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आना किसी संगठन में, क्या यह किसी तरीके से उनके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसके इस बारे में जो है विस्तृत चर्चा करें, या इसका विश्लेषण करें, या समालोचना करें, या आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी जो है आजकल, जैसे आपने, मैंने पिछले साल देखा था ना 66वीं में पूछ दिया था कि एक हाथ से, 66वीं या 65वीं में पूछा था कि एक हाथ से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, मूल अधिकार दिया गया है और दूसरे हाथ से ले लिया गया है, जो मूल अधिकारों के आलोचना में हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से इंटीग्रेट करके पूछा जा सकता है, यहां से अराइज किया जा सकता है। अब देखिए, अब दोनों में लड़ाई होती है, एक तरफ वो गर्ल्स हैं जिनका कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। दोनों अपना अपना क्या जो है पक्ष रख रहे हैं, इनका केस स्टडी करते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स का कहना है कि ये जो है हिजाब पहनना हमारी जो है अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी डेवलप हुई है किसी भी रिलीजन प्रैक्टिसेस में, इसी के अंतर्गत आता है कि हम हिजाब पहन के हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, उनका ये कहना है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट के तरफ से जो है कहा जा रहा है, कर्नाटक के जो अटॉर्नी जनरल हैं प्रभुलिंग नौदगी, इनका कहना है कि यह जो है धार्मिक अनिवार्य, धर्म के अंतर्गत यह अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है,
मिलॉर्ड, यह जो है हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसको आर्टिकल 1A के तहत इसको ग्रांट किया गया है संविधान के अंतर्गत, और वहीं आगे चल के 19(2) के तहत जो है इस पे उचित प्रतिबंध भी लगाया गया है कि इस पे जो है तार्किक प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इनका ये कहना है। अब आगे बढ़ लेते हैं, इससे क्या उभर के सामने आता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 ये 3 है के तहत बताया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थाएं वो चाहें तो अपने यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उसी पोशाक में अनुमति देंगे क्लास अटेंड करने का या स्कूल अटेंड करने का जो उनके द्वारा चुनी गई पोशाक हो। तो इन सब सारे तर्कों से ये साबित करना चाहते हैं कि ये अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, यह बस एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिस पे आर्टिकल 19(b) के तहत जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो यहां तक की स्थिति आपने क्लियर हो गई होगी। समअप करना चाहूंगा इस वीडियो को, मतलब आधा जो भी पार्ट हमने पढ़ा पहले उसको समअप कर लो, केस स्टडी, उसी के बाद जो है इसको आगे हम देखेंगे कि इसमें जो है कैसे धार्मिक अनिवार्यता का कानून क्या होता है और अल्टरनेटिव प्रिंसिपल क्या होता है धर्म में। ठीक है, आपने देखा कि हिजाब कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है, स्कूल के द्वारा 6 छात्राओं को हिजाब में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, वे कहती हैं कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें ग्रांट करी गई है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के द्वारा, ये कहीं ना कहीं जो है ये इसके में है। वे जाती हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय जिसमें सरकार का के द्वारा पक्ष रखा जाता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के द्वारा यदि शिक्षण संस्थान चाहें तो अपने चुनी हुई पोशाक में ही किसी को प्रवेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां तक हमने सारी चीजें अपने मतलब हमने कंक्लूड करा। अब देखिए यहां पे 2 तथ्य आपको जो है क्लिक कर रहे होंगे आपके दिमाग में, एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा, एक वैकल्पिक धार्मिक प्रथा, ये क्या है। इस दोनों का जो है क्लियर कट डिफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो है समझना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल राइट और इवन इफ यदि उससे रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो है इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है ना माय डियर फ्रेंड, वो सब्जी काटने वाला चाकू होता है, मल्टीपल यूज कर सकते हो, सब्जी काट कर सकते हो, फ्रूट्स काट सकते हो, अपनी गार्डनिंग कर सकते हो, आत्मरक्षा कर सकते हो वगैरह वगैरह, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। इसका कंसेप्ट उभर के आया 1944 में, दैट मींस 1954 में शिरूर मठ मामले में इसमें कहा गया न्यायालय के द्वारा कि भैया देखिए जो अनिवार्य एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेज है ना, इसी को आर्टिकल 25(1) और 26(b) के तहत जो है संरक्षण प्रदान किया गया है, इसके अलावा किसी अन्य प्रथाओं को नहीं, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो या ना हो। अब देखिए कि अनिवार्य धार्मिक प्रैक्टिसेज, दैट मीन्स एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेज क्या होते हैं, इसका निर्धारण करने का जो पावर है ना, जो शक्ति है ना, वो किसके पास है, वह है अदालतों के पास, कोई धार्मिक संप्रदाय के पास नहीं और ना ही किसी धार्मिक संगठन के पास। ये जो है कौन डिसाइड करेगा, अदालतें अर्थात कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि फलाना जो प्रथा है यह अनिवार्य धार्मिक प्रथा है कि नहीं है, ना कि कोई धार्मिक संगठन और संप्रदाय। अब अनिवार्य धार्मिक प्रथा क्या है इसको मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कोर बिलीफ्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड है, ये टोटल रिलाई करता है आपके कोर बिलीफ्स पे। किसी भी धर्म में जो कोर बिलीफ्स होते हैं ना, जो मूल विश्वास होते हैं, उन्हीं पर आधारित है यह कंसेप्ट अनिवार्य धार्मिक प्रथा का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म में ऐसे एकदम से वो कर दिया जाए, मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाए कि मूर्ति पूजा का जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके मूल विश्वास पे हनन होगा। चाहे किसी भी समुदाय की बात करें जो उनका मूल विश्वास है, जैसे ऐसे कोई कह दे कि रोजा करना मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए जो है अनिवार्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल उनके जो कोर बिलीफ्स हैं जिसमें रोजा रखी जाती है ये इसके अगेंस्ट है, उससे धर्म का जो स्वरूप है मूल स्वरूप वो
कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कोर विलिप्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है और यह किस मतलब कैसे इसको जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो मेन मतलब दिक्कत है ना, कौन कौन सी दिक्कत है, इन दिक्कतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कोर बिलीफ्स है, आपको पता होगा कि जो प्लुरलिज्म है और इंक्लूसिवनेस है, अर्थात जो बहुविविधता है और समावेशिता है, यह धार्मिक स्वतंत्रता से ही जस्टिफाई हो सकती है। मान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता कहीं नहीं हो तो वहां पे प्लुरलिज्म अर्थात विविधता, बहुविविधता की बात करें तो वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। तो इसको जो है मेंटेन करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनिवार्य है, और इसी के द्वारा, इसी के लिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता का निर्धारण जो है हमारे जो भी पूर्वज थे, राजनीतिक पूर्वज, उन्होंने इसको करा। अब मेन दिक्कत जो आती है वह है कि जो अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे। इसको लेके संविधान में कहीं ऐसा कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मूल अधिकारों की आलोचना में, कि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो परिभाषित नहीं है, सुस्पष्ट नहीं है, स्पष्टता का अभाव है, अपारदर्शी है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसी में आता है। ठीक है, और ये ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, जो इतना बड़ा देश है, इसमें समान नागरिक संहिता का ना होना इस कंट्रोवर्सी के उदय का सबसे बड़ा कारण है। और एक तो इसके कंट्रोवर्सी के उदय होने का ये समान कारण भी है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए कि जो अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं हैं, जब आपने देखा कि एक तरफ इसका संविधान में कोई पार्टिकुलर डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं दिया गया है, तो यह टोटल जो है अदालतों के विशेषज्ञता पे निर्भर करता है कि वे किस तरीके से किस चीज़ को धार्मिक जो प्रथाएं हैं, अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं, उसको मानती हैं और किसको नहीं मानती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो न्यायालय को के लिए जो है यह चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसके लिए इनको विशेषज्ञता, बहुत ज्यादा विशेषज्ञता की अनिवार्यता है। ठीक है, तो हमने देखा पूरी कंट्रोवर्सी को, केस स्टडी देखा, जो वैकल्पिक प्रथाएं हैं, जो अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं हैं उसके बारे में हमने केस स्टडी करा, अभी तक किस तरीके से अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का डेवलपमेंट हुआ, वैकल्पिक प्रथाएं क्या हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता ग्रांट करी गई है वो कहां तक मतलब ग्रांट की जा सकती है, कहां तक उसको संरक्षण दिया जा सकता है, और बीपीएससी जो है इसे किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज कर सकती है, इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। आई होप कि आपको टॉपिक जो है क्लियर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैं कन्वे करना चाहता था आपने समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।